स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसा क्या है यूनुस भाई कि पाकिस्तान जाती है इंग्लैंड में, पाकिस्तान की टीम आपकी पिछली दो सीरीज जो है हार के नहीं आई, आई थिंक दोनों आप ड्रॉ करा के आए हैं, पर इंडिया जब इंग्लैंड जाता है और इतने अच्छे फास्ट बॉलर्स के साथ गया है, इंडिया 2007 के बाद जीत ही नहीं पाया सीरीज, ऐसा क्या हो जाता है? आप तो इंडियन क्रिकेट को बड़े नज़दीक से आपने देखा है, इंग्लैंड में आप खेले हैं, इंग्लैंड को खेले, ऐसा क्या होता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड में जीतता है, इंडिया इंग्लैंड में नहीं जीत पाता? देखिए, मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि अगर हम पाकिस्तान टीम जाती है और इंग्लैंड में जाकर जीत, मेरे ख्याल से देखिए एक तो ये जो दोनों दौरे आप ड्रॉ कर रखे हैं, जी हाँ, देखिए उसमें बाज़ औक़ात होता क्या है कि अगर हम एक फैक्टर देख लें, अगर हम जितने भी पास्ट में जितने भी हम सीरीज़ खेले हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, तो हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड जो होता है वो लेग स्पिनर का, तो अगर हमने देखा इवन लास्ट सीरीज़ में भी हमने देखा कि यासिर शाह ने कितने आउट किए, लॉर्ड जैसे ग्राउंड में वो मैन ऑफ द मैच हुए, तो ये वो चीज़ें हैं कि अगर ये आपने सीखनी होती है बाज़ौक़ात, हम जब भी गए हमारे पास लेग स्पिनर हुआ तो लेग स्पिनर बहुत डोमिनेट किया। और दूसरी बात ये कि देखिए इंडियन बैट्समैन के लिए मेरी ये सजेशन है कि जैसे मैंने उन अज्जू भाई की एक मुझे कॉल आई हो ऐसी कोई, मैंने उनको कोई सेशन भी नहीं किया, एक कॉल आई और मैंने उस पर ट्रस्ट किया और मैंने सीखा। तो जब आपके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं, सुनील गावस्कर जैसे बैट्समैन मौजूद हैं और ऐसे लेजेंडरी प्लेयर्स मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत सारे और ऐसे प्लेयर इंडिया से बैठे हुए जिनसे आप सीख सकते हैं, तो सीखने का अमल रुकना नहीं चाहिए। अगर मैं विराट कोहली हूँ आज, अगर मैं 40-50 शो पे हूँ, अगर मैं थोड़ी सी अपने आप की बेटरमेंट कर लूँ, चाहे वो मोहम्मद अजहरुद्दीन को लेके, सुनील गावस्कर को लेके, यूनुस खान को लेके, ज़हीर अब्बास को लेके और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद हैं, मुरलीधरन को लेके मैं कुछ सीख सकता हूँ, तो मुझे सीख लेना चाहिए। इसमें मेरी कोई बढ़ाई या ऊंचाई नहीं हो जाएगी, मैं नीचा नहीं हो जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये इंडियन बैट्समैन को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लेजेंड्स मौजूद हैं, आप उनसे अगर ये नहीं भी बताते तो खुद चले जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, हम भी अपने लाइफ में, मुझे याद है जब 2004 में चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी इंग्लैंड में, तो मैं राहुल ड्राविड के पास खुद गया, मैंने राहुल ड्राविड से मैंने उनसे कहा कि राहुल भाई मुझे 5 मिनट के लिए आप मुझे टाइम दे दें, तो वो राहुल ड्राइवर मेरे पास, वो 6वें 7वें फ्लोर पे थे, हम 4वें 5वें फ्लोर पे थे, बर्मिंघम में बिल्कुल, जो कि हम मैच बड़ा इंटरेस्टेड और हम पाकिस्तान जीत गया था, तो राहुल, मैं वो मैच नहीं खेला था, तो ड्राइवर से मैंने रिक्वेस्ट की। अच्छा, मजे की बात ये है, अब उनकी मैंने इससे पहले भी मेंशन किया, वो मेरे पास खुद रूम में आ गए। अच्छा। मैं एक जूनियर प्लेयर था, राहुल ड्राइवर उस वक्त टॉप के प्लेयर थे, वो मेरे पास खुद आए, उन्होंने कहा जी पूछें। अच्छा, पहले तो मैं स्टंट हो गया कि जी राहुल ड्राइवर मेरे पास खुद आ गए। मैंने कहा सर बस आपके 5 मिनट लूँगा, मैंने उनसे 5 मिनट, मैंने 2-3-4 क्वेश्चन किए, खुद मैंने खुद अप्रोच किया उनको और वो मेरे पास आ गए। और उसके बाद यकीन करें कि मैं उनकी वो चीज़ों को लेके जहन में मैं बिठाया और फिर मैं चल पड़ा, तो 2004-5 के बाद ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं लेके चला, तो मेरी क्रिकेट चेंज हो गई। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लेजेंड्स मौजूद हैं इनके इनके पास चले जाएं, और अगर ये खुद भी नहीं बताते तो चले जाएं इनके पास, कोई मसला नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर ये करेंगे तो इंडिया कभी भी जाके इंग्लैंड में स्ट्रगल नहीं करेगी, क्योंकि हमने भी सीखा और सीखने का अमल चलना चाहिए।